कई सारे फेसेस हैं, बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने इस पर? वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। हम नहीं है, आप नहीं है, बात बिल्कुल नहीं। ये तो प्रधानमंत्री ना, एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। वो तो ऐसा विचार है कुछ का, वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो सब तय होगा। एक बैठक सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप पूरा देश घूम रहे हैं, आगे आगे उसकी संभावना, धीरे धीरे अन्य लोगों से बातचीत होगी, सब एक तरह से होंगे सहमत। कब तक आप लोग तय कर दीजिएगा ब्रॉड फ्रेमवर्क जो लगता है कि होना होगा? कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना उसका। और आप चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट कहते हैं, जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एकजुट जो अपना होंगे उस पर तो तय करेंगे ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन में, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते हैं, तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी, आज़ादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं, तो सब तरह की बात होगी। सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बार? हमने कहा क्या ही सब चीज का नाम, इसमें तो बापू का नाम देते हैं। सर बिहार कैसे संभलेगा? बहुत अच्छी, हमारी बातचीत अच्छी, बहुत तरह से हम लोग की बातचीत आपस में।